Hello, now we are writing messages. What is message? A message is a piece of information that we write for somebody when we cannot speak to them ourselves. ठीक है? What we have to remember while writing a message? The message should be on in the box. The word message should be written at the top. The date must be mentioned and the message must be short. We cannot write a lengthy essay while we write a message. Okay? So, basically we have writing message for somebody when we cannot speak to them ourselves. जैसे कि अगर हमें कोई मैसेज मिला है, यहाँ पे एग्जांपल में हम देखेंगे कि एक सोनाली अपने भाई को अखिल को मैसेज डाल रही है कि मम्मी को बताना कि वो डिले हो जाएगी, उसकी फ्लाइट डिले है इसलिए वो 12 बजे आएगी. तो और फिर अखिल भी बाहर जा रहा है तो पता कैसे चलेगा मम्मी को कि वो कैसे आ रही है सोनाली. इस बारे में हमारा एक एग्जांपल है. नाउ लेट्स सी एग्जांपल. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशंस. Sonali says, "Hello, who is speaking?" Akhil. "Hello, I am Akhil." Sonali says, "Akhil, can you please call mummy?" Akhil says, "Mummy is not at home." Sonali says, "Please tell her that my flight is delayed because of fog. I will now be reaching at 12. Akhil says, "I am going out, but I will leave a message for her." देखो यहाँ पे कितनी सारी कन्वर्जेशन हो रही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है. जब सोनाली टेल्स, व्हेन सोनाली टेल्स, प्लीज टेल टेल हर दैट माय फ्लाइट इज डिलेड बिकॉज ऑफ फॉग, आई विल नाउ बी रीचिंग एट 12. नाउ अखिल इज गोइंग आउट, सो ही राइट अ मैसेज टू हिज मदर. दिस इज अ मैसेज अखिल रॉट फॉर हिज मदर based on the conversations. ठीक है, देखो क्या लिखा. मैसेज इन द बॉक्स. वी मस्ट राइट मैसेज इन अ बॉक्स. हेडिंग में क्या होना चाहिए? मैसेज. फिर डेट 3 May 2020. मम्मी, सोनाली कॉल्ड. हर फ्लाइट इज डिलेड ड्यू टू फॉग. शी विल नाउ अराइव एट 12 noon. एंड अखिल. सिंपल और शॉर्ट. क्यों? क्योंकि मैसेज में हमें ऑलवेज शॉर्ट में बताना है कि पूरी बात बतानी है. ऐसा नहीं कि थोड़ी बात बतानी है, बात हमें पूरी बतानी है लेकिन इन शॉर्ट. ठीक है, ये पता चला आपको? सो व्हाट वी हैव टू रिमेम्बर, द मैसेज शुड बी इन अ बॉक्स. द वर्ड मैसेज should be written at the top. The date must be mentioned and the message should be short. यहाँ पे किसको लिखा है और किसने लिखा है और क्या लिखा है, क्या मैसेज कन्वे करना है, ये पूरी बात आ गई है. ठीक है, तो आगे से आप जब मैसेजेस लिखो तो इस तरह से लिखना. जब आप कुछ जब आप एक जगह पे ना हो और किसी को मैसेज करना हो तो. ठीक है, नाउ वी सी डायरी एंट्री. मैनी ऑफ हमारे में से काफ़ी सारे डायरीज लिखते हैं, लेकिन हमने तो अभी तक स्टार्ट नहीं किए. लेकिन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो इस तरह से आप लिख सकते हो. इन अ डायरी एंट्री वी ऑलवेज राइट द डेट एंड टाइम. डेट एंड टाइम लिखते हैं. वी एक्सप्रेस आर फीलिंग विदाउट इनिबिशन. ठीक है, हम किसी भी तरह की किसी भी तरह से डरे बिना कुछ भी लिख सकते हैं हमारी डायरी में, क्योंकि हमारी डायरी सिर्फ हम ही देखने वाले और कोई नहीं. ठीक है, नाउ लेट्स सी एग्जांपल. रीड द डायरी. रीड द डायरी एंट्री that Jaya wrote about her day at school. अभी
एक डे के बारे में जया ने अपनी डायरी में लिखा है, स्कूल डायरी में, ठीक है। फ्राइडे 3 मई 2020 8:30 PM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डियर डायरी, टुडे आई हैड टू राइट अ वोकेबलरी टेस्ट इन द फर्स्ट पीरियड फॉर इंग्लिश क्लास। द टेस्ट वॉज टफ एंड लॉन्ग, बट आई फिनिश्ड इट जस्ट इन टाइम। आई होप आई स्कोर वेल इन इट। ठीक है, देखा आपने कि इसमें आप उसने सब कुछ लिखा हुआ है रिगार्डिंग अपने एग्जाम टेस्ट को जो हुआ, वोकेबलरी टेस्ट, उसके बारे में भी। फिर उसने क्या लिखा है आगे, आफ्टर दैट आई प्लेड बास्केटबॉल इन द पीटी पीरियड फॉर ऑलमोस्ट एन आवर। दैट वॉज फन एंड टायरिंग। एंड लास्ट में उसने अपना नाम लिखा है, जया। हम ये तो हुए 2 पीरियड के बारे में, लेकिन आप अगर लिखना चाहो तो अपने सारे पीरियड्स के बारे में बता सकते हो। फिर आप वो भी लिख सकते हो कि आपको होमवर्क क्या मिला है, आप अभी क्या कर रहे हो, क्या करोगे। जैसे कि इन द साइंस क्लास आई लर्न्ड अबाउट अ वाटर साइकिल एंड हाउ रेन अकर्स इन नेचर। इट वॉज फैसिनेटिंग। नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल फॉर माई साइंस होमवर्क। एंड ऑल्सो यू कैन राइट इन गुजराती, वी हैव लर्न न्यू पोयम रिगार्डिंग कृष्णा। है कि नहीं? ऐसा कुछ भी, पूरे दिन का सारे पीरियड्स के बारे में लिखना हो तो सारे, फिर जो जो अलग चीज़ें होती है या फिर आप जो किसी को नहीं बता सकते, वो सारी बातें आप अपनी डायरी में लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गए हमारी डायरी एंट्री। सबको पता चला ना कि मैसेज कैसे लिखते हैं और डायरी में एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल दोनों के बारे में। थैंक यू।